नमस्ते छात्रों, मैं आपकी हिंदी मिस फरीदा बोल रही हूँ। आज हमें 12वीं कक्षा के लिए नया पाठ लेने वाले हैं। पिछले बार हमें क्या पाठ लिए थे आपको याद में है क्या? टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म क्या होता है? गांधी जी से स्थापित किया गया हुआ एक आश्रम का नाम ही टॉलस्टॉय फार्म। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर हमारे लोगों थे, वहां पर भारतवासी लोग, उन पर बहुत अत्याचारी चल रहा था। वे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा थे। इसे मुक्त करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, वे सत्याग्रही से लड़ने के लिए वहां पर गांधी जी नहीं गए थे। उसके बाद वहां पर एक हमारे आदमियों के लिए एक आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम था टॉलस्टॉय फार्म। वो आश्रम 100 एकड़ का था और वहाँ पर सब प्रकार के पेड़ पौधे रहते थे और खाना पानी का इंतजाम सब वहीं पर करते थे। वहाँ पर बहुत सारे बहुत जाति के भिन्न जाति के लोग वहाँ पर आकर रहते थे और कोई नौकर चाकर वहीं पर नहीं था, सब खुद अपना काम अभी करते थे। और वहाँ पर क्या हुआ था कि दो बक्से था, एक स्त्री और पुरुष। स्त्री का जो स्थान होता है एक तरफ और पुरुष का बहुत थोड़ी दूर पर। पूरा रसोई का काम से लेकर सब कुछ काम सब स्त्रियों ने करते थे, उनका थोड़ा हेल्प और बाहरी का काम सब पुरुषार्थ ने करते थे। और पढ़ाई के लिए मिस्टर कैलेनमैन और गांधी ने करते थे, ऐसा बहुत सारे काम करते थे। वहां पर रहकर उन्होंने वो काम किया था। आपको समझ में आता ही होगा पिछले पार्ट का पार्ट टॉलस्टॉय फार्म। आज हमें नया पार्ट लेने वाले हैं। आज हमें कहानी के तरफ जाते हैं। कहानी का आज पहला टॉपिक होता है आकाशदीप। आकाशदीप का मतलब क्या है? आकाशदीप हमें उसके बारे में बताते हैं। जो उन दिनों में जब लोग बाहर जाते थे, जो उससे वो समुद्र यात्रा करते थे, समुद्र में काम कर जाते थे, तब जब औरतें क्या करते हैं कि अपने पति और अपने भाई कोई उनके याद में वो क्या करते हैं कि एक मिट्टी का दीपक चलाकर एक डोरी में बांधकर रख देते हैं और ऐसा प्रार्थना करते हैं कि भगवान से तो हमारे पति हमारे भाई को अच्छा से पद बताना, अच्छा रास्ता बताना। इसके लिए वो क्या करते हैं कि रोज को ऐसा ही दीप जलाकर रखते हैं। इसका नाम ही आकाशदीप कहते हैं। ओके, ये उनका ऐसा एक अनुमान है कि ये दीप हमारे पति और भाई को अच्छा रास्ता दिखाते हैं और घर वापस लौटा देते हैं बहुत सेफ से। तो उनका ये विश्वास होता है। उन दिनों में सब लोग ऐसा ही करते थे। ओके, इसका हेडिंग का नाम होता है आकाशदीप। और आतर होते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद 13 जनवरी 1890 को जन्म हुआ था। हिंदी कवि, नाटककार और साहित्यकार थे इन्होंने और बड़े निबंधकार भी थे। ये छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में एक थे। बहुत मशहूर और बहुत फेमस थे इन्होंने, अच्छे से अच्छे गद्यकार थे। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह छायावाद का स्थापना किया था। इसके अलावा इन्होंने सूक्ष्म एवं व्यापक अपना आद्यमों से चित्रण शक्ति से चिंतित और स्मरण करते थे और काव्यानी तक पहुंचकर काव्य प्रेरक और शक्ति काव्य का रूप प्रतिष्ठित किया। बाद में प्रयोगशीला, प्रगतिशील एवं नयन कविता दोनों धाराओं प्रमुख आलोचक उसकी उस शक्ति भरा स्वीकृत दी। ये एक स्टोरी होता है आकाशदीप में। इसमें जो जल के बारे में और सागर के बारे में, नाव और नाविकों के बारे में होता है। कामयानी पर मंगल प्रसाद प्रतिषेवित प्राप्त हुआ। उनका जीवन कभी साहित्य अर्जन का माध्यम नहीं बना, अपितु साधना बनकर उन्होंने अच्छे से काम किया। ये बहुत से उनका स्टोरी बहुत अच्छा होता है। ओके, ये स्टोरी में देखेंगे तो नायक बुद्धगुप्त।
और नायिका चंपा, इससे ही एक द्वीप बनता है चंपा से। और नायक बुद्धक जलदस्यु है, जलदस्यु का मतलब जल, वो जहां पर सागर से आने वाले वहां पर लूटने वाला, चोरी करने वाला, चोर अपक वहां से वो आते हैं, उनका अपकरण कर देते हैं ज्योतिष का। ओके, वो उन लोगों जलदस्यु होते हैं। वे कहता है कि ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है, बड़ा एक वैर्य, ये एक ताम्रलिप्ति एक ग्रुप होता है, तो उसका एक बड़ा क्षत्रिय होता, बड़ा वैरियर होता है, लेकिन थोड़ा रीसेंट से, थोड़ा परिवर्तन से उन्होंने क्या हो गया कि जलदस्यु बन गया। और नायिका चंपा है, नायिका चंपा वह एक जाह्नवी तट पर रहने वाली एक लड़की है, और इसका नाम चंपा कैसा रखा गया कि ये चंपा नागरी का एक क्षत्रिय बालक है, बालिका, बालिका मतलब गर्ल। ओके, ये भी एक क्षत्रिय, ये भी एक वैरियर होती है, एक भी होती है। ओके, इनके पिताजी वहां पर मणिभद्र के एक प्रहरी का काम करते थे, माता पिता और उनके साथ में वो रहती थी। एक दिन उनका माता का दुर्घटना हो गया, इसके बाद वह हमेशा पिताजी के साथ में ही रहती थी। 8 साल तक वह क्या करती है, कभी हमेशा वो पानी में ही, वह जल में ही रहना, वह शिप में ही रहना, ऐसा ही नाव में ही रहती थी। ओके, स्टोरी यहां से शुरू होता है, दोनों बंदी है, दोनों बंदी होते हैं, नायक और नायिका, बुद्ध का चंपा। ये ऐसा ही शिप में जा रहे हैं, तब ऐसा ही हिलता हुआ वो जा रहा है, तब एकाएक एक आवाज आता है, मैं आपको मुक्त कर दूं, तो मैं आपको रिलीज कर दूं। तो दोनों का हाथ ऐसा ही बांध करके रहा है, तो अंधेरा होता है, रात के समय ऐसा नाव चल रही है। ओके, तो थोड़ी आवाज में ये कहता है तो नायक बुद्धगुप्त, मुझे बहुत ठंड लगी है, कोई मुझे उड़ाकर देने से अच्छा हो जाता है, बहुत ठंड लगता है, शिवरिंग होता है। वो कहती है कि हाँ, थोड़ी देर में आंधी आने वाली है, एक साइक्लोन फॉर्म हुआ है वहां पर, उसी में साइक्लोन फॉर्म हुआ है, लेकिन ये ऊपर के तट पर नायक और नायिका बाकी सब लोग वहीं पर है। ओके, तब ऐसा ही दोनों के बाद बात होता है, बंदी, हाँ बंदी, बंदी मीन्स कैप्टिव कहते हैं, बंदी जरा सा सोने दो, ऐसा ही कहता है बुद्धगुप्त ने। सब लोग सो रहे हैं इस निद्रा में, निद्रा मतलब सोना, सब लोग सो रहे हैं, हम क्या करते हैं इसी संदर्भ में हमें यहां से निकल जाते हैं, बचकर चले जाते हैं, ऐसा कहती है। वो बहुत आलस से कहते हैं क्यों कैसा जाएंगे, तो वो कहती है मैं आपको रिलीज करती हूँ, मुक्त कर देती हूँ। अच्छा, तुम भी क्यों बंदी हो, तो हाँ इस पर हमें बात कर लेंगे बाद में। वो तुरंत क्या करती है, ऐसा ही लुढ़क कर जाती है वहां पर एक नाविक, नाविक मतलब नाव में रहने वाला वो सेलर, वहां पर उससे क्या करती है, छोटा सा कृपाण, कृपाण मतलब स्वॉर्ड, तलवार, वो लाकर ला जाती है और उसे मुक्त कर देती है। ऐसा ही वो सीन फर्स्ट सीन ऐसा ही चलता है, फिर दोनों चुपचाप करके पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर नाविक आता है और वो वहां का वो सराउंडिंग्स, वो कैसा है क्लाइमेट, ऐसा ही देखता है और तुरंत देखता है वो उधर साइक्लोन फॉर्म हुआ है, आंधी आने वाली, आंधी का मतलब क्या है, साइक्लोन, आंधी आने वाले। जल्दी से जल्दी वो क्या करती है, बाकी सब लोगों को नींद से उठाता है और कहता है उठाओ, सावधान रहो, सावधान रहो प्रिय, अच्छा कॉशन से रहना, निकलो आंधी आने वाली है, जल्दी से निकलो। ओके, सब लोग इधर उठकर उधर से इधर जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपचाप ऐसे ही पड़े ही रहते हैं। तब ये आकर देखता है तो इन लोगों को भी उठाता है, उठ जाओ, फिर भी वो चुपचाप पड़ रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसा ही उठते हैं, तब देखता है नायक तो इनका मुक्त है, फ्री से है, इनका जो हाथ बांधा हुआ था वो खुला था। तो नायक ऐसा ही आश्चर्य देखता है, कैसा आपने इतना ऐसा ही मुक्त हो गए, ऐसा कैसा रिलीज होता है। लेकिन इसके बीच में ये क्या करते हैं, जो वो अवेयरनेस देने के लिए, तो अनाउंस करने के लिए घंटा बजाते हैं, सब सावधान होने लगे, सबको ये
काशन ये न्यूज़ देते हैं, बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा था। बंदी युवक, यहाँ पर बंदी युवक कौन है? नायक युवक होता है, ये एक युवक होता है और उसका नाम है बुद्धगुप्त। वो ऐसा ही पड़ा होता है, कोई पाल खोल रहा था पर युवक बंद ढुलकता हुआ ही रहता है, लेकिन इधर उधर नहीं हटता है। उसके बाद में थोड़ी देर में ये झटके के साथ नाव स्वतंत्रता थी, उस संकट में दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों क्या करते हैं? अब यहाँ पर दोनों लोग कौन होते हैं? नायक और नायिका, क्योंकि नायक होता है बुद्धगुप्त और नायिका होती है चंपा। चंपा ने बुद्धगुप्त को रिलीज की थी, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। तब दोनों उठकर ऐसा स्वतंत्रता से खड़ने से बाकी लोग सब देख हैरान होकर ऐसा देखते हैं, लेकिन ये खिलखिलाकर हंसते हैं। ओके, अनंत जननी में उषा के आलोक फूट उठा, सुनहरी किरणों और लहरों के कोमल मुस्कुराने लगी। तब ये हमें सवेरे होने का, ये सवेरे कैसा होता है इसके बारे में पता है। तो सुनहरी सब सनरेज होता है, सागर शांत हुआ। रात कैसा था सागर में? बहुत एक साइक्लोन फॉर्म हुआ था तो ऐसा ही वेव्स ऐसा ही था, तो बोट इधर उधर ऐसा ही लुढ़कता था, लेकिन सवेरे शांत हुआ। नाविका देखा खोद का पता नहीं, बंदी मुक्त है। देखे तो ये बंदी कैसा है? बंदी वो अरेस्ट हो, वो कैप्टन कैसा है? मुक्त है, बहुत रिलीज हुआ था। नायक ने कहा, बुद्ध को तुमको कौन ऐसा बंदे मुक्त किया था? कृपाण दिखाकर बुद्ध ने कहा, इन्होंने। कृपाण का मतलब क्या बोलते? स्वॉर्ड, तलवार। तब उन्होंने कहा कि किसने आपको मुक्त कराया? तो अपना स्वॉर्ड दिखाया था और कहा कि ये ने मुझे मुक्त बनाया, कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। नायक ने तो तुम्हारा बंदी बनाऊंगा, फिर भी आप मैं क्या करूंगा, आपका अरेस्ट करूंगा। ऐसा कहते हुए उसके पास आता है, किस लिए? यहाँ पर पोदाध्यक्ष, पोता पर मतलब शिप को कहते हैं और अध्यक्ष का मतलब उसका हेड को कहते हैं। तब उस शिप का हेड होता है, उसे मणिभद्र अतल जल में होगा, मणिभद्र को लेकर आऊंगा, ऐसा कहता है। तब वह कहता है कि वो मणिभद्र कहाँ पर होगा? जल पर होगा। तब क्या किया गया उन्हें? उसे मारकर नीचे ढकेल दिया। नायक का स्वामी अब हूँ मैं हूँ, तो वो कहता है कि मैं ही अब हेड, ये शिप का हेड मैं ही हूँ। तो वो तो पानी में चले गया। तो गुस्से में आकर वो नाविक ने क्या किया, तुरंत अपने पास का वो कृपाण को टटोलने लगा। तो उसके पास होने वाला वो स्वॉर्ड को ढूंढने लगा। तब ये नायक ने हंसा कि देखो आपका कृपाण मेरे पास है, तो कैसा आपके पास आया था, कैसा होने से किया? तो इसका काम तो कौन किए थे? चंपा ने की थी। तो चंपा ने किया, मैंने किया था। वो आप दोनों मिलकर ऐसा ही कुछ ना कुछ काम करते हैं, दोनों का ही ये काम होता है। देखो आप दोनों को क्या करता हूँ, ऐसा ही उछल कूद कर वह आने लगा। पर दोनों मिलकर क्या किए, तो ये चंपा हट गई और दोनों को बीच में युद्ध होने लगा, नायक और वो नाविक, बोट में रहने वाला वो सेलर नाविक और ये नायक हमारा हीरो बुद्धगुप्त। दोनों से क्या होता है, युद्ध होना शुरू हो गया। दोनों ही अच्छे से घमासान युद्ध करते थे। तब चंपा दौड़ कर जाकर एक नायक से नाविक से एक तलवार लाकर, तलवार कृपाण वो स्वॉर्ड लाकर उसके पास दे देती है। तब अब क्या होता है, दोनों के पास घमासान युद्ध होता है। अंत में कौन हार जाते हैं? नाविक ने हार जाता है। तो नाविक हार जाने से वो क्या करते है, तलवार को उसके गले में रखकर अब कहता है, बोल अब कौन है, तू कौन है और मैं कौन हूँ, ऐसा करता है। तब वो क्या करता है, सॉरी मांगता है, सॉरी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो इसके अध्यक्ष इसका हेड तो मर गया, तो मैं हिफाजत करने के लिए था, लेकिन अब मैं कुछ करने नहीं हूँ, मैं आपका स्वामी बन जाता हूँ, मैं आपको हेड से ले लेता हूँ। ऐसे करके वो क्या करता है कि अपना जो कुछ होता है उसके पास दे देता है। जब से वो क्या हो जाते है वहां पर, वो कौन हेड बन जाता है, बुद्धगुप्त ने हेड बन जाता है। ऐसा ही चल रहे, तब नाव फिर ऐसा ही जाती रहती है, शिप ऐसा ही जाती रहती है। और कहते कितने दो दिन होंगे हमें वहां पर पहुंचे, कहीं पर जाकर पहुंचना है ना। वो कहते कितने दिन होंगे, तो अनुकूल पवन मिलने पर, अनुकूल हमें तो हमारा
जो भी हमारा लायक कुछ हवा विंड मिलने से ही हमें उसे पार करके जाएंगे। ऐसा ही कहते हैं सहसा नायक, यहाँ ये जलमग्न शलखंड है, देखकर जाना है। यहाँ पर बड़ा एक रॉक होता है, कई शिप जाकर उसे क्या हो गया, टकरा कर टूट जाता है, इसलिए बहुत केयरफुल से हमें यहीं पर जाना है। ऐसा ही कहकर वो सेकेंड पर ऐसा ही होता है फुल, वो शिप में लड़ाई और क्या होता है और वहीं पर जाने का, ऐसा ही सेकेंड पर हो गया है। और थर्ड में होता है यहाँ पर दोनों को कॉन्वर्सेशन, नायक और नायिका, बुद्धगुप्त और चंपा दोनों के बीच में उनको क्या होता है कॉन्वर्सेशन होता है। तब ये दोनों के ये बुद्धगुप्त को पता नहीं ये था कि चंपा एक लड़की है, पहले नहीं था। तब ये रात में जब जो मुक्त हो जाते हैं तब वो क्या करता है कि उसे थैंक्स कहने के लिए, शुक्रिया करने के लिए बुद्धगुप्त ने जाकर उसे हग करता है चंपा को, तभी पता लगता है चंपा एक लड़की है, तब तो स्त्री को ऐसा कहकर पूछता है। ओके, अब यहाँ पर पता लग गया ये एक स्त्री है। अब पूछता है कि तो ये एक स्त्री है, लड़की है, क्यों ऐसा बंदी हुई थी, ऐसा ही पूछा था। ओके, जब वो कही कि चंपा कही थी कि मैं एक जाननी तट पर रहने वाली लड़की हूँ, मैं नागरी चंपा नागरी की क्षत्रिका बालिका हूँ। चंपा वो ग्रुप, चंपा नागरी का उसके वो एक ग्रेट बैरियर होती है और बालिका गर्ल होती है। तब वो कहता है कि मैं भी वैसा ही, मैं एक थीफ नहीं हूँ, वो सी में होने वाला थीफ जैसा मैं नहीं हूँ, मैं भी एक ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूँ, मैं भी एक ग्रेट बैरियर होता था, कुछ ना कुछ कारण से ही मैं क्या हो गया जलदस्यु थीफ बन गया। तब ये हाँ हाँ कर ऐसा हंसी थी और कहती थी कही कि मेरे पिताजी, अब वो जो शिव का हेड था ना मणिभद्र, उसके बारे में कहती है, वो मणिभद्र के पास चंपा के पिताजी ने प्रहरी का काम करते थे। प्रहरी का काम मतलब यहाँ पर वो वॉचमैन जैसा काम, वैसा काम वो करते थे, हमेशा वो शिप में ही रहते थे। ऐसा ही एक बार क्या हो गया कि जब ही एक बार क्या होता है, ये तो जलदस्यु है ना बुद्धगुप्त, आकर क्या करते हैं इनके शिप पर आक्रमण, अटैक करते हैं। जब दोनों तरफ से वहीं पर युद्ध होता है, उस समय ये चंपा सिर्फ 8 years की ही रहती, 8 बरस की लड़की थी, लेकिन ये क्या करती है, ये 5-6 नाविकाओं को और चोरों को ये मार देती है, अच्छा स्वॉर्ड चलाकर मार देती है। और उस समय का इनका पिताजी का मृत्यु हो जाता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल्स इनके बुद्धगुप्त के ग्रुप ऑफ पीपल से ही इनका मृत्यु हो जाती से, इससे वो क्या करती है हमेशा नायक को नफरत करती है, हेट करती है, थोड़ा भी पसंद नहीं है। लेकिन डायलॉग अच्छा सा जाता है और इसका पूरा फैमिली का और इसका पूरा स्टोरी वो कहती रहती है। जब ये क्या हो गया, ये कहती है कि मेरे पिताजी मणिभद्र के प्रहरी काम करते थे, मेरे माताजी भी थे, मेरे माताजी के मृत्यु के बाद मैं हमेशा के लिए वो क्या करती है, वो शिप में ही पिताजी के साथ रह जाती है, वहीं पर रह जाती है। उसके बाद में उसका आक्रमण होने के बाद पिताजी का मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिन के बाद ये क्या करता है, मणिभद्र का अध्यक्ष वो आकर इससे दुर्घटना करता है, उसे एक खराब व्यवसाय व्यवस्था करता है, इससे वो क्या करती है उसे मार देती है। किसे मार देती है, मणिभद्र को। इससे वो क्या करता है, उसे क्रोध होकर गुस्सा होकर इसे बंदी बनाकर यहीं पर रख जाता है। अब यहाँ पर वही शिप पर बुद्धगुप्त भी बंदी और चंपा भी बंदी से रह जाते हैं। और चंपा इसने अपनी पूरी स्टोरी ऐसा ही कहती है और कहती मैं ये अनाथ हूँ, अब मेरे कोई नहीं होते हैं, ऐसा ही कहती है। समुद्र वक्ष बिलमयी रंगरंजित संध्या करे, चंपा असम्यत पुत्र की पीठ पर बिखरे थे, दुर्दा दस्यु ने देखा अपनी महिमा के आरोग्य करुणा वाली, बहुत दुख से वह बैठी रोती है जब इसे देखकर उस पर एक पीटीनस एक मसीनस आता है और उसे देखकर उसे बहुत क्या करता है, बहुत चाहने लगता है। तब से उसे उस क्षण से वो क्या करता है कि उसे पसंद लग जाता है वो लड़की से। ओके, लड़की का नाम क्या था, चंपा। अब चंपा हमेशा के लिए क्या करती है,
बुद्ध रूप के साथ ही रह जाती है। ओके आप कह रहे हैं ओके हमें अब यहीं पर रह जाते हैं, अब हमें कहाँ जाने वाले हैं, ये सब डायलॉग सब भी शिप में ही होता है। अब हमें एक द्वीप पर जाने वाले हैं, द्वीप का मतलब होता है एक आइलैंड। अब आइलैंड में पहुंचने वाले हैं, वहां पर जाकर देखे एक आइलैंड में पहुंचे तो आइलैंड कितना ही सुंदर था, लेकिन वो आइलैंड पर कोई लोग उतना आना जाना नहीं था, सिर्फ श्रीलंका से थोड़े लोग वहीं पर ट्रेड के लिए आते थे, कोई भी बिजनेस के ट्रेड के लिए उधर आते जाते थे, थोड़े लोग आते थे। और उस द्वीप में कुछ नाम नहीं था, इसलिए वहां पर वो कूद पड़ा, नीचे पैर रखा, नीचे उतरा और कहने लगा आज से द्वीप चंपा द्वीप कहने जाएगी। तो वो द्वीप का नाम, वो आइलैंड का नाम रखा चंपा आइलैंड। तो इससे हमें पता लगता कि वो चंपा से कितना प्रेम करता है। इससे तीनवां वाक्य खत्म होता है। अब हमें चारवां वाक्य की तरफ जाएंगे। शरद के दल, शरद विंटर सीजन होता है। अब ये क्या है? अब तो यहाँ पर हो गया 5 बरस के बाद का स्टोरी। 3 पार्ट तक है, नॉर्मल से चलता है, 4th पार्ट में हमें 5 ईयर्स के बाद में स्टोरी। अब तो वो एक नया आइलैंड में थे, वो आइलैंड का नाम था चंपा। अब वहां पर ही इन्होंने रहने लगे और सब कुछ का इनका ट्रेड बिजनेस वहीं पर चलने लगा। वहां के रहने वाले थोड़े लोग भी इनके साथ में मिलकर रहते थे। अब वहां पर विंटर सीजन है, ये अकेली से बैठी थी और ये क्या करती थी, ये उच्च सौंग पर बैठी तरुणी चंपा दीपक चला रही थी। दीपक चलाना, तो अब आता है हमारे हिंदी आकाशदीप। आकाशदीप ये क्या करती है, मिट्टी का दीप को जला कर एक भांसा में बांध कर, भांस में बांध कर ऐसा डोरा में लटका देती है, एक रोप में बांध कर लटका देती है। वो जब वहां पर आने वाली एक लड़की, उसका नाम था जया, वो आकर उसी है आप ही यहाँ की देवी होती है, आपकी नायिका होती है, ये सुनकर वो हंसती है और पूछते है कहाँ अभी तक वो बुद्ध रूप का पता नहीं लगा, कहाँ नहीं। अब उन्होंने महानाविक हो गए, महानाविक का मतलब हेड, उन्होंने अब क्या हो गया, हेड हो गया, हेड ऑफ द आइलैंड, हेड ऑफ द शिप, ऐसा हो गया उन्होंने। तो बड़ा उनका बड़ा आदर होता था, तो कहाँ गए महानाविक, महानाविक अभी तक नहीं आई। तो ऐसा ही चिंतित से वह बहुत दुख से ऐसा ही बैठकर तो ऐसा तमाशा देख रही थी। तब बुद्ध बुद्ध भी वहां पर आ गए और उसके पीठ पर ऐसा ही हाथ रखकर सलाह देते, छटक कर ऐसा देखती है कौन है, और वहीं पर होता है बुद्ध गुप्त। ऐसे क्या हुआ चंपा, क्यों यहीं पर बैठी है, क्या है ये, क्या है, ऐसा ही पूछता है। तब ये कहती है कि यही आकाशदीप होता है। आकाशदीप ये सुनकर ये हंसता है, हा हा करके हंसता है, नहीं ये इसमें बहुत विश्वास है, ये हमें ऐसा ही विश्वास करते हैं कि ये हमारे पति या पिता कोई भी होने पर भी जब वापस आने के लिए, मेरा पिताजी हमेशा के लिए वो सागर में काम के लिए चले जाते हैं, तो मेरी माँ ने क्या करती है, मिट्टी में मिट्टी के चिराग दिया में जलाकर, दीप जलाकर वो ऐसा ही डोरे में लटका देती है और ऐसा ही भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरे पति को अच्छा रास्ता दिखा दे, अच्छा पद रास्ता मतलब वे अच्छा रास्ता दिखा दे, और ये क्या भी करना है तो सहज सलामत से अच्छी तरह से वो क्या करना, मुझे वापस लौटा देना हे भगवान, ऐसा ही कहकर उनके पिता के स्मरण पर वो क्या करती है, मिट्टी का दिया जलाती है और ऐसा ही वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती है। ऐसा ही जो माँ करती है ऐसा ही वो ये भी करने लगी, चंपा भी करने लगी। तब यह हंसा वो कि माँ ने पिताजी के लिए करा था, लेकिन आप किसके लिए करती हो, ये सुनकर वो बहुत हंसने लगी। थोड़ी देर इनके बाद में ऐसा ही अच्छे ही कॉन्वर्सेशन चलता था, बहुत हंसते थे, सब कुछ करते ही वो माँ और बाप, ऐसा बाप आते ही इसका फेस बिल्कुल बदल गया था, तो और बहुत क्रोध हो गया, गुस्सा आ गया, बहुत एंग्री हो गई, फेस बहुत लाल हो गया, और क्योंकि उसके बुद्ध के कारण से ही क्या हो गया, उनका पिता का मृत्यु हो गई, इससे वो क्या हुए कि तुरंत ये सब सीन उसके आंखें सामने लगी। तो इतनी देर से इतना प्यार से उन्होंने बुद्ध रूप से बात कर रही थी और वो क्या करने लगी, बुद्ध रूप भी उसके पास से प्यार से बात कर रहा था, तब
तुरंत ये कहती है मुझे इससे मुक्त कर दो, यहाँ से मुझे भेज दो, यानी तो आप यहाँ से चले जाओ, आपका कोई पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि आपने मेरे पिता का मृत्यु किया था। तो कितनी बार वो कहने पर भी वो सुनने वाली नहीं थी और बार बार ऐसा ही कहने लगी। तो बुद्ध क्या हुआ, तो अब तक अच्छा सा सिचुएशन अच्छा था, क्यों तुरंत ऐसा सिचुएशन बदल गया, तो इसका पता उसे थोड़ा भी पसंद नहीं। लेकिन उसका तो कितना प्यार से बात करती थी चंपा ने, उतने ही वो क्या करने लगी, गुस्से से बात करने लगी। उसका पूरा फेस ऐसा ही बदलने लगा, तो उसका पूरा मैनर्स पूरा बदल लग गया। तो वो क्या कर गई, तुम दस्युवती हो, आपने कौन है, जलदस्यु हो आप, चोर हो, मुझे छोड़ देना, मेरे पास नहीं आना। नाभिक उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे, ऐसा ही कहीं मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, तब वो पूरा उसे मेमोरी में आता है, जब वो इंसिडेंट, जब वो उसका पिता का मृत्यु था, वो इंसिडेंट आता था, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकर पर समुद्र का में जाते थे, मेरी माता मिट्टी का दीपक जलाती थी, भांस की पिटारी में जलाकर भागीरथी के तट पर भांस के साथ ऊंचे पर टाक लेती थी, उस समय वह प्रार्थना करती थी, हे भगवान मेरे नाभि के अंदर पर ठीक रास्ते पर आ जा, वापस ले जाना और अच्छे पद बताना। जब भी पिताजी ठीक आ जाते हैं तब वो कहते हैं कि सादेवी तेरी है, तेरी ही प्रार्थना से मैं सुख से घर वापस आया। ये ऐसा ही इंसिडेंट चलता है, प्रार्थना भगवान के भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो उठी, तुरंत गदगद गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, मेरी माँ हो नाविक, ये उसी की पुण्य स्मृति है, मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु आपसे हुआ है, किससे हुआ था, बुद्ध रूप से हुआ था, इसका कारण तू ही होता है, तू एक जलदस्यु है, तू एक चोर होता है। ऐसे ही कहकर वो नफरत करती है, हट जाओ, ऐसा ही नफरत करती। सहसा चंपा का मुख क्रोध हो गया, तो इतना रेड हो गया, तो एंग्री फेस हो गया, तो भीषण होकर रंग बदलने लगा, महानाविक यह रूप ना दे सका। महानाविक यहाँ पर कौन है, बुद्ध गुप्त है, वो थोड़ा ही ऐसा ही, तो ये सीन चेंज होना से ही उसे समझ में नहीं आ सका ये क्या होता है, तुरंत समझ लेगा वो बार ऐसा ही छोड़कर वह चले गया। ये क्या चंपा, तुम इस अवस्था में क्यों जाओगे, सो रहो, थोड़ा ही वो आश्वास करता है, सो जाना, वो के ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्लीज साइलेंट, काम हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा ही कहकर उसे शांत करवाता है। लेकिन चंपा का दिल ऐसा ही चंचल होता है, माइंड रिलैक्स नहीं होती, तो आंखों से ऐसा ही पानी बरसता है, तो अपना पिता का मृत्यु उसके आंख के सामने सीन बाई सीन चलता है, तो ऐसा ही रो रही है। और वो मणिभद्र का वो अध्यक्ष इसके पास जो व्यवहार किया था वो भी सीन बाई सीन आता है, तो ऐसा ही हदकता है, ऐसा ही वो ठिठुरता है, पता चला हुई है चंपा मुट्ठी बाद में उन्मादी से घूमती रही, वो रेस्टलेस से रही, इधर उधर घूमती रही, ऐसा ही हुआ था। और वो पीस माइंड में नहीं आई थी, पूरा का पूरा उस इंसिडेंट चलता ही रहा था। तो बच्चों स्टोरी यहाँ पर रुक जाता है, और इसके 4 पार्ट होते हैं स्टोरी में, हमें नेक्स्ट वीक इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। आज तक ये स्टोरी तो आपको पता ही होगा, मैं सोचती हूँ, स्टोरी का नाम होता है आकाशदीप, और इसका आतर होता है जयशंकर प्रसाद, और नायक होता है बुद्धगुप्त, नायिका होती है चंपा, नायक बुद्धगुप्त जलदस्यु होता है, और चोर सागर में करने वाला चोर होता है, लेकिन वो कहता है कि ये ताम्रलिप्ति का ये क्षत्रिय हो, और चंपा कहती है कि ये एक चंपा नागरी का ये क्षत्रिय बालिका है, उसकी माँ और बाप होते हैं, लेकिन माँ का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता का मृत्यु बुद्धगुप्त से होता है, जब भी वो अटैक करते हैं उनके शिव को, जब ये क्या हो जाती है, तब वो इसे 8 years की, 8 बरस की होती है लड़की, वो अपना पिता का दुर्घटना को ऐसे मृत्यु के आंख के सामने देखती है, इससे वो हमेशा के लिए क्या करती है, ये
समय पर उस पर प्यार होता है बुद्ध बुद्ध से, लेकिन तुरंत अपने माँ बाप का स्मरण आता है तो याद आ जाता है, तब वो तुरंत नफरत करने लग जाती है और उनके स्मरण में रोती होती है। लेकिन आकाश तक इधर ही होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतना तक आपको स्टोरी समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीक इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। जो आज हमें बात लिए हैं उस तक हमें छोटा असाइनमेंट दिए हैं आपको, जो आप उसका असाइनमेंट पूरा कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।